हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल अमेजा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज़ फ्लिपकार्ट से अगर ऑर्डर करते हैं, जो प्रोडक्ट है हमें गलत मिल जाते हैं, हम उसे रिटर्न कैसे करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। मिलते हैं एक इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट में आ जाएंगे। अगर फ्लिपकार्ट डाउनलोड नहीं है तो हम डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। अगर डाउनलोड है तो अच्छी बात है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लिपकार्ट के अंदर जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे अकाउंट में आ जाएंगे। नीचे आइकन बना हुआ अकाउंट का, अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। ऊपर ऑर्डर का आ रहा है, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम चूज करेंगे। नीचे देखिए रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपके साथ हुआ है वो हम चूज कर लेंगे। हम कुछ भी एग्जांपल के लिए चूज कर लेते हैं। और उसके बारे में भी हमें लिखना है कि हम शॉर्ट कोड में नॉर्मली एक समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम सबमिट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड वॉलेट में, गिफ्ट कार्ड वॉलेट में, कि मैंने आपके जो पैसा है वॉलेट में हो जाएगा, क्योंकि उसे आप उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं ओनली, कुछ बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक है ओरिजिनल पेमेंट मोड। तो ओरिजिनल पेमेंट मोड में क्या होता है कि जो हम बैंक अकाउंट ऐड किया था फ्लिपकार्ट में उसमें रिफंड हो जाएगा, उस पैसे को हम जो करना वो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल पेमेंट मोड में सेलेक्ट करेंगे और हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। ये रिक्वेस्ट हमारा सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे लिख गया रिटर्न सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको दिखा देगा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, ये रिटर्न पे पहुँचा है। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपके पास कॉल आएगा वो ले जाने के लिए, वो आएगा ले जाएगा और उसके बाद आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। ओके, कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना।